भाईजान केले खाओगे? नहीं नहीं मुल्ला जी, प्याज के साथ खा लो। मेरा मतलब है पूछोगे भी नहीं? अरे मुल्ला जी अपने मुंह में सन्नी नहीं दूंगा। बेटा अपना आप लाया होगा पका के? नहीं नहीं मुल्ला जी, मेरी बीवी ने पकाया, मेरी बीवी लड़ती नहीं है। नहीं लड़ती है? लड़ती भी नहीं है। अगर मैं सलमा से नहीं लड़ता तो रोटी पका के देती। मैं इसलिए भूखा फिर हूँ क्योंकि मैं सलमा से लड़ा हूँ। मैं सलमा को लाता हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे आए हो? मैं तू भी अकल का कौन हुआ है? एक बात बता, अगर किसी की बीवी मई के जा रही हो तो उसका मियाँ किस लिए आएगा? मैंने सब सुन लिया, भाषण करो बंद, अपने घर को जाओ और सलमा को भूल जाओ। क्या कहा? सलमा को भूल जाऊं? अपनी बीवी को? मुझे उससे मिलना, उसे अपने साथ लेके जाऊंगा। सलमा को हम नहीं भेजेंगे, वो यहाँ पे है नहीं। अपने मामा के घर निकलो, अपना यहाँ से काम करो। ठीक है सर, मैं मामा के घर चला जाऊंगा। कहाँ रहते हैं तुम्हारे मामू? तुम मेरे भाई के यहाँ चले गए ना, तुम्हें मारेंगे बहुत। क्या कहा? मारेंगे यानी शेख चिल्ली को? भाई एक बार मुझे पता बतला दे कौन से गांव में रहते हैं। मेरे मामा रहे हैं अबूपुर गांव में, सूरतपुरी और मिर्जापुरी नाम है उनका। जा चल आ जा। ठीक है परे मुकल, निकल जा। चल चल निकल, परे मुकल ले। ए, निकल ले। सारा खानदानी निकल।
सलमा सलमा तुझे बता कैसे तू आई है, मुझे रोटी भी नहीं मिली। सलमा देखो शेख जी, मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है, और हाँ ये गांव मेरे मामू का है। भैया तो मैं भी जानता हूँ तेरे मामू का गांव है। जानते हो तो वापस चले जाओ, अगर मेरे मामू ने देख लिया तो पीटेंगे बहुत, और मैं बचाऊंगी भी नहीं। मैं मान जा सलमा, मैं मान भी जा, घर चल घर। चाहे जो भी कह लो, मैं ना जाने वाली अपने मामू के घर से। नहीं जाने वाली? ठीक है, अगर तू नहीं जाने वाली तो मैं भी तेरे मामू का ही रहूंगा, मैं भी कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अगर मेरे मामू ने देख लिया ना तो तुम्हें काट के फेंक देंगे, और मैं बचाऊंगी भी नहीं। काट के फेंक देंगे? मैं तेरे मामू कसाई है क्या? कसाई से भी ज्यादा। और मेरे पीछे मत आना, अगर मेरे मामू ने देख लिया तो तुम्हें भी मारेंगे और मुझे भी। सलमा, अगर तेरे मामू को मैंने सबक नहीं सिखाया तो मेरा भी नाम शेख चिल्ली नहीं, मगर एक शर्त होगी। शर्त? कैसी शर्त? भाई यही कि तू ये मत बतलाना कि हम अभी भी हैं। ठीक है तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे मामू तुम्हारे साथ भेजने वाले ना। हाँ ठीक है ठीक है, निकल निकल ले। नहीं निकला? भाई साहब मुझे मिर्जापुरी का घर बतला दो। उसका घर तो बहुत दूर है, उसका फोन नंबर दे दूं? भाई साहब दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं फोन से बात कर लूंगा। ठीक है भाई साहब की बड़ी मेहरबानी होगी, निकलो निकलो। ये नंबर मिला दियो। हेलो हेलो हेलो, कौन? क्या मामू घर पे है? वे घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? हैं? घर पे नहीं है तो कहाँ मर गए? हैं? कौन बदतमीज है? भाई यार ये तो बंद हो गया। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। अब क्या काम रह गया? क्या आप सूरतपुरी की बीवी बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ। ठीक है बोलती रहो बोलती रहो। क्या कह रहे हो? आप उनकी सगी बीवी बोल रही हैं सौतेली? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जुमे की नमाज पढ़ते वक्त बहुत बड़ा खट्टा हो गया मस्जिद में। हाँ दोनों भाइयों का लफड़ा हो गया। इंशाल्लाह आप जल्दी विवाह होने वाली हो। क्या? हाँ अरे सुनो, अगर आप विवाह हो जाए तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं विवाह में बहुत तरस खाता हूँ। या अल्लाह तू कौन है? क्या मैं तुम्हारा जमाई बोल रहा हूँ? फिर बदतमीजी, फर्क कमीने। देखा तेरे मियाँ ने मस्जिद में भी लफड़ा किया। रहने दे, मेरा मियाँ तो बड़ा सीधा है, झगड़ा करता है तेरा मियाँ। हाँ हाँ तेरा मियाँ तो जलेबी के जैसे सीधा है। रहने दे, एक घंटा हो गया तुझे फोन पर बात करते हुए, चुप कर वरना लाइन काट दूंगी। हाय 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 हाय, इस उम्र में भी लाइन काटते हुए तुझे शर्म ना आती? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मार दिया कमीने ने, नहीं छोड़ूंगा कमीने को। अरे भाई जरा उठाना, नहीं छोड़ूंगा उसका मीना। आप किसको नहीं छोड़ोगे बड़े मियाँ? अरे सगा भाई ये तो क्या हुआ, छोड़ूंगा नहीं उसका मीने को, जान से मार डालूंगा उसका मीने को। मगर क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारे भाई का? मेरा नाम मिर्जापुरी है, और उस कमीने का, उस कमीने भाई का नाम सौतपुरी। इसमें क्या बड़ी बात है,
तुम्हारे भाई भाई का झगड़ा, थूक दो गुस्सा। तुमने तो मेरे मुंह में थूक दिया कम मगर। अरे तुमने तो कहा था थूकने के लिए। तुमने तो मेरे मुंह में थूक दिया, मैं तो गुस्सा थूकने के लिए कह रहा था। अरे तो मैं तो अपने कमीने भाई के मुंह पर थूक रहा था। बताओ कैसा जमाना आ गया, भाई ने भाई को धक्का दे दिया। ठीक है अपने घर चलो। अरे भाई आदि बहुत अच्छे हो तुम, क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता, बता जिंगा जिंगा ऐसे ही करवाता फिर रहा हूँ। कुछ नहीं करते? नहीं। मेरी नौकरी करोगे? हाँ, उस सांड से मुझे और पिटवा दे। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, तनख्वाह भी मिलेगी और खाना भी खिलवाऊंगा। मगर काम क्या करना पड़ेगा? काम धाम कुछ नहीं है, उस कमीने भाई को बस सबक सिखाना है। क्या सोच रहे हो? ठीक है चलो 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 चले। फोन तेरे बाप का नहीं है क्या? 24 घंटे इसमें लगी रहती है। तो तेरे भी बाप का नहीं है? मेरे तो बाप ने लगवाया है। अल्लाह करे तू बेवा हो जाए और मैं तुझ पे तरस खाऊं। अल्लाह करे तू बेवा हो जाए और मैं नहरी रोटी खाऊं। दफा हो जा कम वक्त कल मुही। अरे मामी क्यों लड़ती रहती हो तुम दोनों, बड़े शर्म की बात है। मैं ना लड़ती सलमा, यही लड़ा बदतमीज कल मुही। मैं लड़ती हूँ या कल मुही लड़ती है? तुम दोनों में से तो कोई भी कम नहीं है। अरे ये बोलनी तो छोटी मामी, तुम ही चुप हो जाओ। तमीज से पैसा लड़की, तेरे लिए हम दोनों बराबर है। अरे मेरा मतलब है तुम दोनों लड़ाई मत करो, आखिर तुम दोनों एक ही हो। हम दोनों एक क्यों होते? इसे तो मैं है ना सबक सिखा कर आऊंगी। या अल्लाह क्या मुसीबत है, जब देखो झगड़ा ही झगड़ा। सलमा आने दे तेरे मामू को, आज या तो ये घर में रहोगी या मैं घर में रहूंगी, समझती क्या अपने आप को? सलमा आज ईद का दिन है, बनाना खाना छोड़ दूंगी, आज इस कलमाई को कोसूंगी सारा दिन मैं। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, मामू आने वाले हैं, तुम दोनों लड़ाई बंद करो, चलो जाओ अपने कमरे में। है? क्या मुसीबत है। लड़ाई बंद करो, लड़ना बेकार होता है। तू देख आज इसके बच्चों को यतीम कर दूंगा। यतीम के सर पे हाथ रखा तो सवाब है ना। हाँ यतीम के सर पे हाथ रखा सवाब होता है। लो मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख दूँ। अपनी बकवास बंद कर, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, उसको जान से मार दूंगा कमीने को, छोड़ूंगा नहीं। आजा मेरे भाई आजा मेरे गले लग जा, आज दिल कर रहा है किसी बुराई को गले लगा लूं। मैं कहता हूँ लानत है तुझ पे। लानत ना भेज कमीने, लानत ना भेज, अपना मुंह भेज दे। अरे तेरा मुंह किसी लानत से कम थोड़े ही है। मैं कहता हूँ बकवास बंद कर वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। समझो मिल लो अच्छाई तक पहुँचने के लिए बुराई को गले लगाना पड़ता। मैं तो नहीं लगाता गले, तू लगा ले से, बड़ा कमीना इंसान है। मैं मिल लेता हूँ। अबे मामू मेरे से गले मिलेगा क्या? आप ईमान लिया हो, आपसे गले मिल लूंगा, मगर इस कमीने का तो किरदार ही खराब है, ये तो गले मिलते वक्त जेब काट लेता है। जेब मैं ले, अपनी सूरत पे लिखवा ले, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, अगर मिलता हूँ गले मिलेगा तो इस भेड़े से मिल लूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। ये क्या हो गया? निकल लिया ऊपर को निकल लिया। हाँ आजा उड़ता उड़ता खेलते खेलते खेले खेले एक आज मुर्दे में वजन है, बहुत हेवी है, बहुत भारी है। क्या बात है, आजा। अब क्या होगा? होना क्या है, फंस गया तू। तू फंसेगा, तू बचेगा, पुलिस आएगी तेरे को लेके जाएगी, ये तेरा नौकर है। ले अब मैं झन्नू में फेंकता हूँ। वैसे झन्नू में फेंकने क्या जरूरत है, इसका इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है? इलाज है अभी बताऊंगा। तो इलाज कर दे। ले तो नहीं, जेब काटेगा, जेब काटेगा, चोट है। तू नहीं जानता कितना कमीना इंसान है ये। मैं चांद देखने छत पे चढ़ा,
इस कमनखत ने मेरे गले में सांप डाल दिया। मैं घबराकर पड़ोसी के घर में कूद गया। पड़ोसी सोचने लगे किसका कुछ और चक्कर है। अपनी मत बता दिए, अपनी मत बता दिए तू, तू कितना बड़ा कमीना है, है? रोज पड़ोसी के घर में अखबार ढूंढता है, अखबार उठा के लाता है, उसमें तलाक नामा देखता है और कहता है कि तू कब बेवाह हो रही है और कब मैं तेरे सिर पे हाथ धरूं, तुझे तरस खाऊं। अपनी मत बता दिए। पता कम का तो अपने घर की लड़ाई मुझे क्या घसीट रहे हो? ये घसीटा नहीं, कसाई है कसाई। तुम मुझे कसाई बता रहे? तेली नहीं है ये। तुझे पता नहीं जब ये पैदा हुआ था ना तो दाई ने पैसे भी नहीं लिए थे। ये तो कुंजड़ा है, कुंजड़ा। कुंजड़ा बता रहे हैं, कुंजड़ा बता रहे हैं। तू छोड़ दो मुझे। नहीं अभी कहता हूँ भाईजान, आपका ये नौकर हमारा भी काम करेगा। हाँ हाँ अभी भेज रहा हूँ। अरे वो क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे जल्दी भूल गए? मेरा नाम शेख चिल्ली। अरे शेख चिल्ली, एक काम कर, इनका काम भी कर दे कर, मगर जरा संभल के। क्यों? बड़ा कमीना इंसान है। बड़ा कमीना है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। चला देख रहे हो, जब देखो घूर घूर के देखते रहते हो। अपना काम करो। मामी, अरे इसे कोई काम बताओ ना। अरे तो माते ही लड़की की तरफ देखने लगे। बताओ जी, इसे कोई काम बताओ। करना क्या है? जा चाय बना के ले क्या? और सुन, बढ़िया सी चाय पिलाना। ठीक है मुझे सामान बतला दो और ये बता दो कहाँ बनेगी चाय। सलमा बेटे जी, मामू इस नौकर को सब कुछ सिखा दो। ठीक है मामू, आओ रसोई का रास्ता दिखा देती हूँ। ठीक है। ये है रसोई और चाय अच्छी बनाना। ठीक है निकल निकल। अरे मामू, अखबार में क्या ऐसा मिल गया जो लगे पड़े हो अखबार में? अरे मिल क्या गया, हर घर की कहानी यही है। एक भाई ने अपने नौकर के साथ मिलकर दूसरे भाई को मरवा डाला। चाय 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 चाय। मामी, मुझे तो चाय कुछ ठीक नहीं लग रही। चाय तो बिल्कुल ठंडी है, क्यों मामू? अबे तुझे चाय बनानी नहीं आती? बिल्कुल ठंडी चाय बना के लेके आया। तो क्या इसी बात की तनखा लेगा, बर्फ जैसी ठंडी चाय पिला के? बर्फ जैसी ठंडी चाय? चाय तो मैंने गर्म बनाई थी, असल ठंडी कर दूंगी। हाँ मेरा पागल बना रहे, अभी बता कर खा लो। इसका मुंह पे चाय डाल दी, निकल जाओ यहाँ से।
छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, आज मैं इसको, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बर्फ जैसी ठंडी चाय ही तो फूक कैसे गए? पागल है समझ रहे भैया, सेक चिल्ली को, सेक चिल्ली पागल है, जैसे ठंडी बता रहे चाय को, गर्म चाय को ठंडी बता रहे, पागल समझ रहे सेक चिल्ली को, पागल है सेक चिल्ली तो। अभी बताता हूँ तेरे को, तूने हम सबको भूक दिया। तेरा मुंह बंदर जैसा कर दूंगा। अच्छा आजा आजा, कर मेरा मुंह बंदर जैसा, मैं तेरा मुंह चूहे जैसा कर दूंगा। अच्छा मार खत को, आजा कलमुही, तुझे मैं बतलाऊंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे रंडला करके छोड़ूंगा। हाय हाय, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मैं फिरता हुआ नहीं देख सकती, चाहे तो मुझे बेवा कर दो। एक काम कर, मुझे रंडवा कर दे, ये खड़ी मैं तो दूसरी कर लूंगा। क्या कहा, इतने दिन से मैं जो यहाँ पड़ी हूँ, ला के दिखाओ मैं कैसे पड़ी हूँ। मुँह क्यों लगते हो खानदान के? चलो जो घटिया खानदान बताया, घटिया खानदान की होगी तू, ये तो मेरा सगा भाई है, आजा भाई गले लग जा। हाय, गले ना लगने दो, मैंने बहुत तारीज गंडे पिलाए हैं तुम दोनों को अलग करने के। अरे कुछ कह रहा तो क्या है, है तो सगा भाई। आए हाय, ये जमाना तुम्हें क्या कहेगा, जलील तुम्हारे नौकरों को पीट रहा है। अबे ओए, तूने मेरे नौकर को मारा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं कौन सा तेरे को छोड़ने वाला हूँ, तेरे नौकर ने मैं भूख दिया, भूख दिया, नौकरों को भूख दिया। नहीं बोल रहे तो मत बोलो, लेकिन एक बात सुन लो, मेरे मामू की यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, हो सके तो आज ही चले जाओ। तेरे मामू क्या जाना, कि अम्मी अभी भी है? जानते ना सही, लेकिन तुमने उनके घर में आग तो लगा दी। अभी लगी कहाँ है, अभी लगेगी, जब तक तुम माफी ना मांगेगी ना ऐसे ही करूँगा। मेरा भी नाम शेख चिल्ली है। खूब करो नौकरी, मैं तुम्हारे साथ जाने वाली ना हूँ। अगर तू घर जाने को राजी है तो तेरे मामू का कोई लड़ाई नहीं करूँ, अगर नहीं चली तो क्या कर लोगे? अभी तो लड़ाई कराई है, वो तूफान मचाना है, तेरा गुरूर तोड़ रहा है। शेख को पागल समझ रहे, शेख चिल्ली को। शेख जी, ये तुम्हें अच्छा लगता है मेरे मामू के यहाँ खाना बनाना, चाय बनाना, बताओ? अब तो तेरा मामू मेरा चाय बनवाने वाला नहीं, अब तक मैं कैसी चाय पिलाई बनाकर जा लूं। अच्छा, तो ये सब करना तुम्हें अच्छा लगता है, तुमने मेरे मामू के घर में आग लगा दी। ठीक है, जब तक तू अपने मामू से ये नहीं बताएगी मेरा शेख चिल्ली है और मैं इनकी बीवी हूँ, जब तक ऐसी करता रहूंगा, और तू कुछ बोलेगी नहीं? हाँ, ना बोलने की। चल तो निकल, निकल ले, नहीं निकल। शेख चिल्ली, तू यहाँ आराम फरमा रहा, अब तुझे पता मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे बता कहाँ से आया, कहाँ जाके कहा था फिर रहा? चुप कर। अच्छा ये बता, मैंने कल तुझे क्या कहा था? मुझे क्या पता क्या कहा था, मुझे तो तुरंत की पता रहती है। मैंने तुझे तरकीब सोचने को नहीं कहा था? तरकीब? कैसी तरकीब? अरे वही, मुझे अपने कमीने भाई से बदला लेना है। यानी कि भाई भाई से इंतकाम लेगा, दौलत के लिए भाई को मारेगा? मैं मेरी माना था, भाई से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, भाई से दुश्मनी करने वाले को दो जगह में भी जगह नहीं मिलती। नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, बदला लेकर रहूंगा। देखो मेरा तो फर्ज था समझाने का, अब तुम नहीं समझते तो भाई से बदला लेना है। हाँ हाँ लेना है, लेना है। ठीक है, ऐसी तरकीब बतलाऊंगा कि तुम दोनों भाई पागल हो जाओगे। बतलाओ बताओ, कौन सी तरकीब है बतलाओ? जो मैं तरकीब बतलाऊंगा ना,
बस उसमें थोड़ी सी अदाकारी करनी है। कर लूंगा कर लूंगा। जल्दी बता तो मुर्गा बनो, मुर्गा बन। क्या मैं मुर्गा? डरो मत डरो मत डरो मत, तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, तुम्हारा भाई खुद अपना हुक्म मार डालेगा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा जल्दी बता कौन सी बीमारी? वो जल्दी कर रहा, वो बीमारी है मुस्तकेज है नुमा खज्जू। अबे ये कौन सी बीमारी है, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? ये बता देगा, ये सऊदी अरब से आई बीमारी। ठीक है ये सही है। अब सुनो, मैं तुम्हारे भाई को जाकर ये बतलाऊंगा कि तुम्हारे भाई को ऐसी बीमारी लग चुकी है कि वो अपने थप्पड़ मारे तो उनके लगता है और अपने कट मारो तो उनके लगेगा। ठीक है ये तो मैं कर लूंगा। तो मिसाल के तौर पे आप अपने थप्पड़ मारो, ये मानो कि मैं आप हूँ। ठीक है ये तो मैं करता हूँ। जब तक थप्पड़ जोर से नहीं लगता ना साहब जी, बुरा मत मानना, रियलसर का मजा नहीं आता। इसका मतलब रियलसर पक्की। तो चलो पहले बेगम को विश्वास दिलाते हैं इस बात का। ठीक है ठीक है, बेगम को काली को पूरा पूरा विश्वास दिलाओ उन्हें। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ अब थोड़ी रियलसर कर लो। हाँ ये ठीक है करें। करो अबे ये कौन सी बीमारी है जो मैं खुद को मार रहा हूँ? जब बीमारी तो मैं थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। हाँ हाँ वेरी गुड। ऐसा करो मैं अपने मारता हूँ, तुम एक्टिंग करना। ठीक है ठीक है ना। ठीक जोर जोर मारो अपना। हाँ। जोर जोर एक्टिंग करो। ठीक है ठीक है। देखो देखो अल्लाह मार दिया, 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 अल्लाह। ठीक है बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट, पास हो गए, बिल्कुल पास हो गए। ऐसा करो तुम लेट जाओ। लेट जाओ? हाँ लेट जाओ लेट जाओ, मैं बेगम को बुलाता हूँ। लेट जाओ लेट जाओ। बेगम जी, बेगम जी। अरे क्या चिल्ला रही है कम वक्त? हाय अल्लाह इन्हें क्या हो गया? मैं कुछ नहीं वाला रहा। देखो सुनो, अब यहाँ पर चूड़ी तोड़ो, तुम बेवकूफ होने वाली हो। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? जो तेरे मुंह में आती आवंती सोंदी बकता रहता है, पागल तो नहीं हो गया? बक नहीं रहा मैं, ये मरेंगे बचेंगे नहीं। नहीं नहीं सेठ नहीं, बताऊंगा बताऊंगा सारी बताऊंगा। अरे ये कौन सी बीमारी है? बीमारी वो है जो जलालुद्दीन के नौकर को लगी थी, ये बचेंगे नहीं मरेंगे। मगर ये कैसे लग गई? ये बीमारी ऐसे लगी, इन्होंने चिड़िया मारी थी, उस चिड़िया ने शराब दे दिया, अब ये बचेंगे नहीं मरेंगे। अगर तुम अपने सर पर मारोगे तो इनके लगेगी। मगर इसका कोई इलाज तो होगा? इलाज है बेगम, इलाज है। अगर इनके लात घूसे पड़ते रहे तो इनका खून चलता रहेगा और मैं मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। ये अल्लाह मैं इन्हें मरने नहीं दूंगी। ये अल्लाह मैं इन्हें नहीं मरने दूंगी। Oh!
दिमाग चला लेंगे तो नहीं है, क्या शैक्षणिक का दिमाग चल रहा? अच्छा तो ये तुम्हारा दिमाग है, अभी जाके मामे से कहती हूँ। निकल ले निकल ले, अभी तो यही हुआ, आप आ गए ना, क्या होता है? तुम अंदर जाओ, अब अंदर जाओ, नहीं निकले तुम अंदर जाओ, मैं रखता हूँ खून चालू। वाह शेख वाह वाह, अब कैसे कर गए मेरे भाई को फांस ले हैं? देखो एक बात सुनो, मेरी तनख्वाह डबल करनी पड़ेगी और सलमा का निकाह मेरे से करना पड़ेगा। क्या नहीं दवा चला अपने घर? जस तो कहेगा वैसी होगी, ठीक है? तो अब देख मेरी चाल, सुबह को बताता हूँ, ठीक है? क्यों पागलपन दिखा रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगर मामू को पता चल गया तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैंने दोनों में ऐसी बीमारी लगा दी, दोनों आपस में लड़ लड़के मर लेंगे। चुप रहो, अपना भाषण बंद करो, देख लूंगी तुम्हारे अंदर भी कितनी अकल है। भाषण बतला रही है? मैं तुझे बता, मैंने तेरे दोनों मामू कैसे फंसाए? अगर दोनों में बगावत ना करवा दूं तो मेरा नाम शेखशिली नहीं। हाँ हाँ, अब मेरा पीछा छोड़ो और अपना काम देखो, हम भी देख लेंगे जब करोगे बगावत। मेरी बगावत में शक कर रही है? देख ली मेरी बगावत, मगर एक शर्त है, किसी को बताएगी नहीं। ठीक है जाओ। अब लूंगी चुन चुन के बदला, बहुत मारते थे मुझे। ये ले, अरे दांत निकालेगी ना बेगम, अब सिर में मारूंगी, कमबख्त मर जाऊंगा। अब करवट में मारूंगी, अब पिछोंडे पे मारूंगी, अब देख कहां मारती हूं। बहुत दीजिएगा, मत मारो, मर जाऊंगा। आई समझ में? अरे ना मार दिया। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़े मारते थे ना मुझे खटिया पे घेर घेर के। क्या कर रही बेगम, मगर मारोगी ना, जान से मारोगी ना? अरे मुझे नहीं मारते थे क्या? ये तो मर जाएंगे, खुदा के वास्ते ने छोड़ दो। तुम कहते हो तो बकस देती हूँ, नहीं तो इन्हें आज छोड़ती नहीं मैं। देगा अब फांसता तुम्हारे भाई को। हाँ ठीक है, ठीक। शेख चिल्ली इधर। आप बोलो क्या बात है? ये अंदर आवाजें कैसी आ रही थी? अगर तुम ना बोझा तो ठीक है। क्यों? उनके घर खतरनाक बीमारी है, अब वो बचने वाले नहीं है, मरेंगे। खुदा करे उनके घर में कभी खैरियत ही ना रहे। मगर तुम्हें किसने बतला दिया? अरे वही तो सुन के आया हूँ, अंदर से जो आवाजें आ रही थी। ओ तो सुनो, उनके घर बहुत खतरनाक बीमारी लगी हुई है उनके, वो बचेंगे नहीं। अबे ऐसी खुशी की बात तू मुझे जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी। ऐसे ही थोड़ी बतला दूंगा, मान लूंगा मान, क्योंकि इस बीमारी में आपका फायदा है और आपका इंतकाम भी पूरा होने वाला। मेरा फायदा? अरे जल्दी बता, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मेरा दुश्मन मर रहा है, जल्दी बता। मगर ऐसे नहीं बतलाऊंगा, पैसे लूंगा पैसे। 100 रुपए दिए। 100 रुपए? मैं आदमी खरीद रहा पिल्ला। चल पूरे 500। मैं 500 रुपए में क्या आएगा खुदा के बंदे, 500 रुपए में गेहूँ की बोरी भी नहीं आती। तो चल अब फाइनल डील करता हूँ। हाँ। 1000 रुपए। इतना मंदा? चल 2000 रुपए डन। ठीक है, ये नौकर आपका हुआ। अब बता दी जल्दी बता दी कि क्या बीमारी है? ये बीमारी है नजरिया रंगीला कैंसर। अबे ये कौन सी बीमारी है? इस बीमारी में एक खासियत है, अगर आप अपने कट मारोगे तो तुम्हारे भाई के लगेगा, अगर आप अपने डंडा मारोगे तो तुम्हारे भाई का सर फूटेगा, अगर आप अपने थप्पड़ मारोगे तो तुम्हारे भाई के लगेगा। सच?
एक चिल्ली की बात को झूठ मान रहे हो? झूठ मान रहे तजुर्बा कर लो। अब बताऊंगा तू सच तो बोल रहा है? अगर आपको यकीन नहीं है तो तजुर्बा कर लो। हाँ हाँ तजुर्बा करवाओ। तजुर्बा करो। मार वाह 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 चिल्ला रहे तू और मार अब ऐसे करो तुम अपने भाई से बदला लेना। हाँ मैं तुम्हें तरकीब बतलाता हूँ। हाँ मैं बम लाता हूँ बम। हाँ और उसे सटक लो। ना 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 बम नहीं। डरो मत। कुछ और बता। वो फटेगा ना। वो फटेगा ना ना इधर ना ना। ठीक है ऐसा करता हूँ मैं एक मिट्टी का बोतल तेल की लाता हूँ। एक मिट्टी की बोतल की तेल लाता हूँ। नहीं नहीं हैं? नहीं नहीं मिट्टी का तेल नहीं कुछ सुनो कुछ और बता दे। मिट्टी का तेल अगर पियोगे मैं परसमासी डाल दूंगा वो जलेगा। नहीं 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 से कोई और तरकीब बता। मुझे कोई ऐसा उपाय बता कि वो कुत्ता मेरे सामने पिटे। मेरे सामने यहाँ लाना चाहते हो? हाँ यहाँ बुलाऊं? बुला दो। ठीक है सोचता हूँ। आगे 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 कहो। अबे कोले कंबत गंजा करेगा क्या? गंजा कर दे मेरे को उसको यहाँ लेके आ। बता मार 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 देख कमीना कैसी रो रहा है। मार और फिर से मिलो गंजा छोड़े मेरी छोड़े राम मेरी छोड़े ऊपर एक बाल नहीं बच रहा है। मेरी मानो तो अब लड़ो मत। अरे तुझे नहीं पता तू नौकर है तेरे जितना खाए उतना कर। ठीक है मेरे से क्या खूब मार मार साले तू जान संभाल दे। तो अब देख ये मर रहा है कमीना मर रहा है देख ये देख पर ये अरे ये अरे देख मर गया। आज पूरे बदले लूंगा गिन गिन के। अभी तो मैं इसकी आंखें ना 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 फोड़ूंगा फोड़ूंगा छोटू नहीं और ये देख ये ले फूट गया चेक चेक फूट गया। अरे चेक कैसे रो रहा है? कैसा चीख रहा है कमीना? कहाँ है कमीना? आज मुझे खुदा चार हाथ दे देता ना तो मैं इस कमीने के बोटिया भी नोच लेता। सरकार ये हाथ तुम्हारे हैं ना अपने मानो। कहाँ है? यही है। से फिर मार दे क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है मामू लड़ रहे हैं। चलो जरा देखते हैं। अरे लड़ते रहो मेरी बला से मैं ना जाने वाली। मामी मुझे लगता है हमारे घर में जो नौकर है ना वही लड़ाई कराता है। अरे वो नौकर क्यों लड़ाई करवाता जब अपनों में ही सुलूकना है तो मैं ना जाने वाली। जा तुम्हारे मामू को बीमारी हो रही है जो इनका मारेगा इनका लगेगी। तो अपना काम कर मुझे अपना काम कर दे चल निकल। अरे रुके मत तू बेगम को भी बुला ले। बेगम को भी बुला ले आज इस कमीने को जान से मार ले। बेगम को बुला ले। अरे बेगम को आगे आगे बेगम आगे आगे। अरे तो मार मार इसे मारो मरेंगे जब। मार अरे मार मार और जोर से और जोर से और जोर से।
मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। देखो तू मार मुझे, तू मुझे मार मार, देखो मार। अपना काम जारी रख, आज खाने को नहीं छोड़ूंगा। धंधा तो कर ही दिया है, जान दे मारूंगा। मार 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 बगावत करोगे। चुप करो अपनी बकवास। बगावत के चक्कर मेरे मामा को मार डालोगे? तब मान जाऊंगा माता, अगर तू अपनी हार मान ले तो। ठीक है, मैं हार मानती हूँ, लेकिन हम दोनों की लड़ाई में मेरे मामा का क्या कसूर है? क्या, तुम दोनों की लड़ाई? हाँ मामू, ये मेरे शौहर है और मैं अपनी ससुराल से लड़ाई करके आई थी। अब मुझे शेख जी ने ही मना किया था कि अपने मायके में बताना मत कि हम दोनों मियां बीवी हैं। अरे शेखू तू, अरे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं पहले बता देता तो सलमा मानती क्या? मानती, और सलमा के बिगड़ चिंता रहता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे घर की लड़ाई में हमारे घर की बलि चढ़ाई जा रही थी? वह बलि नहीं चढ़ाई जा रही, ये भी अंधे थोड़ी है, मरे थोड़ी है। वहां खड़े हो जाओ। अच्छा सलमा, तू अपने घर जा।